न्यू ब्लॉग। आज है 26 जनवरी और सरस्वती पूजा भी आज ही है, बसंत पंचमी। तो इधर मंदिर के पास हम लोग हैं, सब लोग यहीं पे अभी आए हुए हैं क्योंकि मंदिर में तो सरस्वती पूजा हो रहा है। घर में पूजा कर लिया, टीका वीका लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इधर छोटू और हर्षवर्धन ये दोनों हम लोग के साथ है और बस मंदिर के अंदर सब लोग पूजा कर रहे हैं। वहीं पे ब्लॉग बनाना था। आज सरस्वती पूजा कैसे होता है आपको दिखाते हैं। अपना फ्लैग होस्टिंग हुआ है पंचायत भवन के सामने। सब लोग तो वैसे भी यहीं पे करते हैं। फील्ड कुछ इस तरह का, पूरा घास जो है वो सूख चुका है गर्मी के कारण और आज से धूप एकदम रियली शुरू हो चुका है। अपना वॉलीबॉल कोर्ट यहाँ पे है। और चलिए आपको अब डेकोरेशन दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे मंदिर में डेकोरेशन कैसा होता है। तो ये मंदिर का गेट जहाँ पे थोड़ा 26 जनवरी से रिलेटेड थोड़ा डेकोरेशन हुआ है बैलून्स का। देवता प्रियंता में फिर अक्षर छोड़ दे पृथ्वी। सुबह से कुछ खाया नहीं था और घर में तो दो बार पूजा कर ही चुका हूँ, तो अब जा रहे हैं घर में कुछ खा वा के प्रसाद वरसाद खा के आएंगे क्योंकि अब भूख लग चुका है वहाँ पे पूजा होने में। अभी टाइम हो चुका है 12:20 और उतने देरी से सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो अभी खा लेते हैं और फिर वहाँ पे आके बाकी का पूजा में देखेंगे। जा रहे हैं, अपना घर इधर सामने में ही है क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं। अब सच्ची में भूख तो लग गया है काफ़ी ज़्यादा, जाके प्रसाद खाते हैं। गाइस अब घर में खाना वाना तो खा लिया है, पेट पूजा हो चुका है। इधर पीछे नैतिक है। अब हम लोग फिर से जा रहे हैं मंदिर क्योंकि पूजा शायद वहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा वहाँ जाके ही पता चलेगा। पुष्पांजलि ये सब हो गया है, शायद प्रसाद लेने जाना होगा हमको लगता है। अभी हम लोग फील्ड पहुंचे और यहाँ पे नैतिक और ये हमारा एक नैतिक का दोस्त है अंशु, ये दोनों खेलने लगा है यहाँ पे कंचा, वो भी मैग्नेटिक वाला। दिखाना ये वाला, देखो मैग्नेटिक है। फिर अभी उधर ही जाना है, अभी तक पूजा तो वैसे चल ही रहा है। पूजा हो चुका है और प्रसाद मिल रहा है सबको। प्रसाद में कुछ ऐसा है, मेन बूंदिया चूड़ा और बाकी का फल वल ये सब दिया जाता है। तो जाके अब मैं भी ले ही लेता हूँ यहाँ पे। सो गाइज अभी हो चुका है शाम, मंदिर जा रहे हैं हम लोग सब पूजा देखने के लिए। प्रसाद वरसाद ये सब मिलेगा क्योंकि शाम की आरती तो होती है वो सब देखने के लिए, तो बस उधर ही जाना है। सब लोग बाहर तरफ से तैयार हैं, इधर जाते हैं बस। इधर मंदिर कुछ इस तरह से डेकोरेट हुआ है। बाकी का अब वहाँ पे जाके ही आपको दिखाते हैं। ये जो जो लाइट से काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है जिसके चलते कुछ दिख नहीं पा रहा है। बाकी नैतिक और पापा तो आपको आगे चल रहे हैं वो दोनों, तो आइए सब कम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। सेल डेकोरेशन काफ़ी मस्त हुआ है, लाइट जो है वो देखने में तो बहुत मस्त लग रही हैं। तो इधर है मंदिर, पूरा लाइट्स जो है वो ऑन कर दिया गया है। और इधर दुर्गा मंदिर है। इधर मंदिर के हॉल में ही यहाँ पे किया जा रहा है। इधर हनुमान जी ये सब और उधर भैरव बाबा और अंदर मंदिर यहाँ पे कुछ इस तरह का बना के। सो गाइस अब मंदिर में तो जितना टाइम स्पेंड करना था उतना कर लिया। अंदर मम्मी और दादी है, इन दो वो दोनों आ जाएंगी। हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि आगे इधर पे निखिल भी और छोटू भी हैं। अब यहाँ पे रहने का कोई बात है नहीं क्योंकि पूजा में शायद टाइम है। और बस अब जाते हैं घर और फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या होगा।
सो गाइज, अब तो हो गई है रात। उस समय के बाद फिर मैं मंदिर जा नहीं पाया था। तो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।